रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान के डीग जिला के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है। मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर कामा की अपर जिला और सेशन न्यायाधीश अदालत में करीब 15 मिनट तक बहस चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत में पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने मोनू पर हत्या का षड्यंत्र रचने की साजिश में शामिल होने गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में पुलिस एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को जमानत मिलने से वो जांच को प्रभावित कर सकता है, इस वजह से आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में मोनू मानेसर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एलएन पराशर और कुलभूषण भारद्वाज ने अदालत को बताया कि मोनू का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। जिस मोबाइल से मामले के दूसरे आरोपी रिंकू सैनी से चैटिंग किए जाने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है, वो मोबाइल भी मोनू का नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि घटना वाले दिन मोनू गुरुग्राम के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी वारदात को अंजाम देने से पहले साजिश पहले रची जाती है कि घटना क्या होने वाली है। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोनू को नूह में दूसरी बार निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा से दो दिन पहले फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नूह अदालत से डीग पुलिस लेकर आई थी। इन दिनों मोनू न्यायिक हिरासत में अजमेर की जेल में रखा गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।